नमस्कार, न्यूज क्लिक में आप लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो प्रोग्राम मन की बात में असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जिक्र किया था। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स कुछ ऐसे थे, मैं आगे अब उनको कोट करूंगा। जब आज से 100 वर्ष पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने लिखा था, और वे गांधी जी को यहां कोट करते हैं, असहयोग आंदोलन देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है। उनका कोट यहां खत्म हुआ। आगे मोदी जी बोले, आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है, हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था उसे अब आत्मनिर्भर भारत में वट वृक्ष के में परिवर्तित करना अब हम सबका दायित्व है। गांधी जी ने अलग अलग जगह विभिन्न कॉन्टेक्स्ट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में कई बातें लिखी। कुछ सैंपल मैं आपको पेश करता हूं। नॉन कोऑपरेशन मींस रिफ्यूजल टू हेल्प द सिनर इन हिज सिन। नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन विद ईविल मींस कोऑपरेशन विद ऑल दैट इज गुड। नॉन कोऑपरेशन इज द राइट रिकग्नाइज फ्रॉम एंशंट टाइम्स ऑफ द सब्जेक्ट टू रिफ्यूज टू असिस्ट एनी रूलर हु मिस रूल्स। वेन फ्रीडम इज इन जियोपर्डी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट may be a duty and prison may be a palace. Finally, उन्होंने कहा, non-cooperation movement is not a hymn of hate. आप पूछ सकते हैं, मैंने इतने सारे quotation आपको क्यों सुनाए? कारण सिर्फ एक था, ये साबित करने के लिए कि असहयोग आंदोलन को एक आप सिर्फ एक वाक्य में रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसमें एक सेंटेंस में नहीं ढाला जा सकता है कि दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अगर कोई ऐसा करता है तो वह व्यक्ति असहयोग आंदोलन के सारे डायमेंशंस, उसके लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को नहीं समझता है, या फिर उस मूवमेंट के बेसिक स्पिरिट या मैसेज को गुमराह करना चाहता है। असहयोग आंदोलन हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के 3 हाई पॉइंट्स में से पहला था। अपने स्पिरिट में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खिलाफत आंदोलन के कंजंक्शन में देखा जाता है। बाकी नेशनल मूवमेंट के 2 और जो हाई पॉइंट थे वे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930s का, और फिर 1942 में क्विट इंडिया या भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी के लीडरशिप में राष्ट्रीय आंदोलन की यह विशेषता थी कि हमेशा एजिटेशन एक ही पिच पर नहीं चलता था। हर लड़ाई फाइट टू फिनिश नहीं होती। उस समय आजादी के लड़ाई के समय कोशिश यह होती थी कि गेंस को कंसोलिडेट कर अगले राउंड के लिए इंतजार किया जाए। असहयोग आंदोलन को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। अगर हमें उसके टोटालिटी में देखना है तो उसके पहले के पूरे 1.5 साल के इवेंट्स और डेवलपमेंट्स को फैक्टर इन करना बहुत जरूरी है। इस दौर में अनेक घटनाएं हुई, परंतु सबसे इनफेमस कौन नहीं जानता है, जलियांवाला बाग मैसेकर। इस मास
हत्याकांड से पूरे दुनिया में डिसगस्ट और सेंस ऑफ रिवल्शन फैल गया था। यहां तक कि एक बहुत ही माइल्ड मैनर्ड रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड रिनाउंस कर दिया था। बात दरअसल शुरू हुई थी फरवरी 1990 में। हिंदुस्तान में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने दो बिल पास करवाना चाहा। इन बिल्स को पॉपुलरली रोलेट बिल्स कहा गया। इनके ऑथर थे जस्टिस सर सिडनी एटी रोलेट, इनके नाम पे पड़ा था। जैसा कि हम जानते हैं, सरकार चाहे इतिहास या अतीत में हो या फिर कंटेम्पररी टाइम्स में हो, विरोधी को हर सरकार क्रिमिनल घोषित करना चाहती है। रोलेट बिल्स इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने 10 मार्च 1919 को पास किया। इसके पहले गांधी जी ऑलरेडी अंग्रेज सरकार को लिख चुके थे, द बिल्स आर नॉट स्ट्रे एग्जाम्पल ऑफ लैप्स ऑफ राइटियसनेस बट इज एविडेंस ऑफ अ डिटर्मिंड पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन। इस कानून के तहत वॉर पीरियड के बहुत सारे रिप्रेसिव रिस्ट्रिक्शंस को कंटिन्यू किया गया। अंग्रेज सरकार किसी को भी टेररिस्ट डिक्लेयर करके 2 साल तक विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन अरेस्ट करके रख सकती थी जेल में। फ्रीडम ऑफ प्रेस को बहुत कर्टेल किया गया। बगैर वारंट कहीं पे भी पुलिस जाके कोई भी सर्च कर सकती थी। लाहौर के एक अंग्रेजी अखबार ने एक बहुत ही पॉइंटेड और शार्प हेडलाइन दिया, नो वकील नो दलील नो अपील। यानी कि आप वकील नहीं कर सकते, आप कोई दलील कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, और जजमेंट आने के बाद, फैसला आने के बाद आप कोई अपील नहीं कर सकते उसके खिलाफ। रोलेट बिल्स के पैसेज के बाद इनका खंडन देश भर में हुआ। इनको ब्लैक बिल्स कहा गया। गांधी जी ने रोलेट सत्याग्रह का कॉल दिया, कहा कि इसके विरोध में लोगों को सत्याग्रह करना चाहिए। उन्होंने अंग्रेज सरकार को भी लिखा, दिस हैज एजिटेटेड मी, उन्होंने कहा, दिस हैज एजिटेटेड मी वेरी मच, आई शैल फाइट द ग्रेटेस्ट बैटल इन माय लाइफ। गांधी जी के कहने पर लोगों ने सत्याग्रह प्लेज लिया। ये कहा कि कोर्ट अरेस्ट करेंगे, अपने आप को कमिट किया, रोलेट बिल्स की रोलबैक की मांग की। गांधी जी ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को एक वाक्य बोला जो आज के युग में भी एक्सट्रीमली रेलेवेंट है, इवन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स ओ इट्स पावर टू द विल ऑफ द गवर्न्ड। 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट्स हुए। द रोलेट सत्याग्रह वॉज द फर्स्ट एवर ऑल इंडिया अपसर्ज अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियल रूलर्स के टेम्पर्स फ्रेड थे, वो लोग भीड़ देख के नर्वस हो जाते थे। इसी ऐसे सरचार्ज एटमॉस्फेयर में जनरल डायर ने जालियांवाला बाग में फायरिंग करवा दी। मृतक तो सिर्फ अपने नेताओं के अरेस्ट पर प्रोटेस्ट जताने गए थे, ऊपर से बैसाखी का दिन था और वे तो निहत्ते भी थे। पैरानॉइड एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह हर समय ऐसे ही रिएक्ट करती है, तब भी और अब भी। सिचुएशन को संभालने के लिए ब्रिटिश सरकार ने डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमिटी अपॉइंट किया। इसको हंटर कमिटी भी कहा जाता है, कमिटी या कमीशन। गांधी जी ने इसके सामने जाके भी डिपोज किया और अपने सत्याग्रह के प्रिंसिपल्स को एलैबोरेट किया। उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि किसी भी राजनीतिक एरिना में जनता के स्ट्रगल का मुख्य थ्रस्ट कोई भी अनलॉफुल या फिर
कोई भी अनजस्ट लॉ के खिलाफ होता है। प्रोटेस्ट आफ्टर ऑल इज अ लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन एंड आर्टिकुलेशन। हम लोग तो किसी भी मुद्दे पर फैसला लेने के पहले पूरा विवाद होता है, डिबेट्स होते हैं परिवारों में। सो कैन इट बी मिसिंग फ्रॉम एनी कंट्री? शुड एनी गवर्नमेंट बी अलाउड नॉट टू अलाउ दिस टू द सिटीजंस ऑफ द कंट्री? हंटर कमीशन का रिपोर्ट पूरे हिंदुस्तान में किसी को सेटिस्फाई नहीं किया। सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, या फिर इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 भी कहा जाता है। इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट हुए। उसी साथ साथ 1919 और 1920 में मुस्लिम समाज में भी डिससैटिस्फैक्शन खिलाफत के मुद्दे पर फैल रहा था। गांधी जी ने स्ट्रेटेजिकली खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ ब्लेंड करके एक नए किस्म का पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंटेशन किया। कांग्रेस को लाभ तो हुआ ही, साथ ही भारत में हिंदू और मुसलमानों में इस तरह की पॉलिटिकल पार्टनरशिप पहले बहुत लंबे समय तक नहीं देखी गई थी। 1857 के पार्टनरशिप के बाद इस तरह से ये पहली मिसाल थी। असहयोग आंदोलन के लॉन्च के पहले गांधी जी ने कांग्रेस को डिसेंट्रलाइज कर दिया था, परंतु मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस के डिसीजन मेकिंग बॉडीज में तब भी कम था। पूरे CWC में सिर्फ 18 मुसलमान सदस्य थे। खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान 3 साल के अंदर इसमें पूरा एक तरह से कैरेक्टर चेंज हो गया और 350 में से करीब 84 मुसलमान इसके सदस्य हो गए। बहुत अच्छी बात है, मोदी जी ने अपने रेडियो टॉक शो में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का उल्लेख किया, लेकिन असहयोग आंदोलन का मतलब है, उसके बारे में बात करने का मतलब है कि स्पिरिट ऑफ प्रोटेस्ट का ना सिर्फ सराहना करना बल्कि विरोध करने का हक जनता को देना, उसको एक्सेप्ट करना कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पिछले साल के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद सरकार ने कुछ ही दिनों में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में कई सारे ड्रेकोनियन अमेंडमेंट्स किए। किसी भी रैंडम इंडिविजुअल को इसके बाद टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। हमको ये भी पता है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को कई और ड्रेकोनियन पावर्स दिए गए हैं। हम सब ये भी जानते हैं कि पिछले 1 साल में UAPA का बहुत मिसयूज हुआ है। असहयोग आंदोलन का जिक्र करना और खिलाफत मूवमेंट को इग्नोर करना हमारे या किसी के भी एक्सक्लूशनरी पॉलिटिक्स को दर्शाता है। अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हमारे लिए इंस्पिरेशन है, तो फिर खिलाफत आंदोलन भी तो हमारे देश के ही धरोहर का हिस्सा है, हमारे पॉलिटिकल ट्रेडिशन का पार्ट है। इतिहास को पार्शली वही अप्रोप्रिएट करते हैं जिनका हमारे देश के आजादी के लड़ाई में कोई खास हिस्सा नहीं रहा है। नमस्कार। Thank you.